हम बात करेंगे आज फिर परम पवित्र पावन तीर्थ पालीतणा के। अनेक रहस्यों में से एक रहस्य सुकौशल मुनि की देहरी का। छोटी सी देहरी है, बाई साइड में जाते समय आती है। आपको लगेगा इसमें कौन सा रहस्य, लेकिन इसकी जो कथा है ना उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। एक माँ किस प्रकार से अपने पुत्र को मार देती, वह ये स्वार्थमय संसार की कहानी है। और वैसे पालीतणा महातीर्थ कहते हैं ना, जिसके स्पर्श मात्र से अनेक पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसा पाप हरण तीर्थ यानी कि पालीतणा। बात है हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भी जो पूर्वज थे, ऐसे राजा कीर्तिधर अगासी में बैठे हुए थे। अचानक सूर्य को देखते हैं, रंग बिरंगे उसकी किरणों को देखते हैं। कुछ समय के पश्चात सूर्य ग्रहण होने लगता है, अंधकारमय वातावरण हो जाता है। यह दृश्य को देखकर वैराग्य जागृत होता है कीर्तिधर महाराज को। वह कहते हैं, क्या जिस प्रकार इतना महान तेजस्वी सूर्य भी अंधकार के वश हो गया, मेरा यह यौवन भी समाप्त हो जाएगा। बस यह सुनते से ही वैराग्य पक्का हो जाता है, दीक्षा लेने की भावना कर लेते हैं और अपनी रानी सहदेवी से कहते हैं, अब मैं प्रवज्ञा लूंगा, संयम लूंगा। रानी उन्हें बहुत रोकती है, बहुत मनाती है, बहुत मिन्नत करती है, लेकिन कीर्तिधर राजा मानते नहीं है। अपने छोटे पुत्र सुकौशल को राजा बनाकर निकल जाते हैं। समय बीतता गया, कई वर्षों तक घोर साधना मुनि कीर्तिधर ने करी। एक बार संयोगवश अपनी नगरी अयोध्या के अंदर वापस उनका आना हुआ। वह नगरी में घूम रहे थे, रानी सहदेवी ने उन्हें देख लिया। उन्हें लगा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, दीक्षा ले ली, कहीं ऐसा ना हो इनको मेरा पुत्र देखे, इनकी बातों में आ जाए और वह भी दीक्षा ले ले। अगर ऐसा हुआ तो पहले तो मैंने पति का वियोग सहन किया, अब तो मुझे पुत्र का वियोग भी सहन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह सोचकर स्वार्थी बनकर जिन पति का ससम्मान नगर में प्रवेश करवाना था, उनको सिपाहियों से बोलकर डंडे का डर दिखाकर जितने भी साधु संत थे सबको बाहर करवा दिया नगरी के। यह दृश्य सुकौशल मुनि की धाई माता ने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे रे, यह कितनी पापी ने अपने पति मुनि को नगरी से बाहर करवा दिया। आंखों में आंसू आने लगे। यह दृश्य सुकौशल ने देखा, पूछा, मां क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, तेरे पिता मुनि बन गए थे, संयोग बस इसी नगरी में आए हैं, लेकिन तेरी माँ ने सिपाहियों से बोलकर नगरी से बाहर करवा दिया। सुकौशल राजा जाते हैं पिता से क्षमा याचना करने के लिए नगरी के बाहर। कहते हैं, पिताजी माफ कर देना, बस समय उचित जानकर कीर्तिधर मुनि उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, संसार का रंग बताते हैं। वह राजकुमार यानी कि जो राजा सुकौशल है वह भी संयम ले लेता है। अब पिता पुत्र गुरु और शिष्य बनकर विचरण करने लगे। इधर जब माँ को पता चला कि मेरा पुत्र भी चला गया, आर्त ध्यान के अंदर, क्रोध के अंदर, न पिता पति ने मेरी बात मानी, न पुत्र ने मेरी बात मानी, क्रोध में आ गए थे, आर्त ध्यान करते रहे और इसी अवस्था में मर गए और तिरंज गति में जन्म लिया, यानी कि मरने के बाद शेरनी बनी। इधर दोनों मुनि भगवंत साधना करते करते अनेक साल बीतने के बाद इसी शत्रुंजय महातीर्थ पर चातुर्मास के पश्चात आए। जैसे ही वो निकले और सामने से उस शेरनी का आना हुआ, दोनों मुनि को देखकर पूर्व का वैर जागृत हो गया कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, क्रोध हुआ। और याद रखना, शास्त्र में कहते हैं जिससे ज्यादा राग है उसके प्रति द्वेष भी ज्यादा होता है। क्रोध के अंदर आए पुत्र सुकौशल मुनि को ऊपर उसने हमला किया, फाड़ दिया सुकौशल मुनि को, रक्त बहने लगा, रक्त को पीने लगी, मांस को खाने लगी, तृप्त हो गई, खुश हो गई वह शेरनी। अचानक जबड़े को जब उसने फाड़ा तो उसने देखा एक सोने का दांत,
उसने दांत को देखकर सोचने लगी, यह दांत तो मैंने कहीं देखा है। ऐसे सोचते सोचते उसे याद आया, अरे यह तो मेरे पुत्र का दांत था। वह शेरनी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व का ज्ञान हुआ। उसे पता चला, अरे यह तो मेरा पुत्र था, मैं कैसी पापी, मैंने अपने पुत्र को मार दिया। अरे भले मेरा शरीर अलग है लेकिन आत्मा तो एक है और मेरा बेटा भी यही है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। बाजू में खड़े कीर्तिधर मुनि ने समय देखा, उपदेश दिया। उसी समय वह शेरनी अनशन ले लेती है, आहार पानी का त्याग कर देती है और ऐसा कहते हैं शत्रुंजय महागिरी के स्पर्श से वहां पर ध्यान करते हुए आठवें देवलोक में जाती है और वहां से आने के बाद मोक्ष में जाएगी। जी हाँ, यह सुकौशल मुनि तो मोक्ष में चले गए समता के भाव में, लेकिन जिस शेरनी ने जो माँ थी शेरनी बनी, वह भी शुभ ध्यान के अंदर मोक्ष में एक बहु के पास जाएगी। कहते भी है कि पशु पंखी जे इन गिरी आवे, भव त्रिजे ते सिद्ध थावे, अजर अमर पद पावे। तो जब भी आप पालीताणा जाओ, जब भी पालीताणा जाना हो, यह सुकौशल मुनि की देहरी आपको जहाँ पर भी दिखे, जब भी दिखे, नमो सिद्धाणम बोल के जरूर वंदन करना, उनके संभाव को याद करना और कहना आपने तो आपकी माँ को तीरंज में जाने के बाद भी तार दिया, आप हमें भी सिद्ध बनाए, मोक्ष दिलाए। ऐसी ही मांगनी सुकौशल मुनि के देहरी पर जाकर करना और नमो सिद्धाणम बोलकर उन्हें वंदन करना।